वेलकम स्टूडेंट, आज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एडवांस कैलकुलस कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं कंटिन्यूस फंक्शन के रिगार्डिंग, जिसमें हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को करेंगे और कंटिन्यूटी फंक्शन का नेचर कैसे डिसाइड करती है वो हम देखेंगे। तो पहले जो थ्योरम हम लेने जा रहे हैं दैट इज नोन एज एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, और इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस, कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवेल, डोमेन हमारे पास क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवेल की है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवेल ए बी, देन इट अटेन इट्स बाउंड। जो लास्ट टाइम हमने थ्योरम की थी, हमने कहा था जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफाइंड है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवेल ए बी के ऊपर, तो वो बाउंडेड होगा। आज हम करने जा रहे हैं उसी की ही एक्सटेंशन थ्योरम, कि वो बाउंडेड तो है ही है, साथ में अपने बाउंड्स को अटेन करेगा। बाउंड्स का मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा, इसलिए इसका नाम हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ही अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को किसी न किसी पॉइंट के ऊपर अटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करें कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो डिफाइंड है किसके ऊपर, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवेल ए बी के ऊपर डिफाइंड है, और ये हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ, किसी भी तरीके से हमारे पास ग्राफ है, तो यहाँ ये वाले जो वैल्यू है दैट इज इट्स मिनिमम वैल्यू, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सपोज पॉइंट ए बी ए है और ये बी है, तो हमारे पास फंक्शन की किसी न किसी पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, किसी न किसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। अगर हम इसे कोई थोड़ा सा चेंज करें, दैट मीन्स ये पॉइंट ए है हमारे पास, दिस इज पॉइंट, तो यहाँ पर जो है दिस पॉइंट यहाँ पर अपने मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स इन द इंटरवेल ए बी जहां अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा और जहां अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा होगा ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, डोमेन जो है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम इसका नाम रखे दिस इज स्मॉल एम और मैक्सिमम वैल्यू दिस इज कैपिटल एम, एक्चुअली वी विल नॉट से मैक्सिमम और मिनिमम, वी विल से सुप्रीमम एंड इनफीमम वैल्यू। तो हमारे पास एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट सी आ रहा है ए और बी के अंदर ही, जहाँ एफ सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम के बराबर, और कोई ना कोई पॉइंट डी आएगा, नाम रखे हमने डी, जहां पर उसकी जो वैल्यू होगी वो कैपिटल एम के इक्वल होगी। तो एक पॉइंट सी जहां पर एफ की वैल्यू एम के इक्वल, जहां एक पॉइंट डी इन द इंटरवेल ए बी जहां पर एफ की वैल्यू कैपिटल एम के इक्वल, और ये सी और डी पॉइंट इसी ए बी के अंदर ही होंगे। अटेन इट्स बाउंड्स का मतलब अटेन इट्स बाउंड्स इन ए बी, ए बी के अंदर ही किसी ना किसी पॉइंट के अंदर वो अपने बाउंड्स को अटेन कर रहा होगा। तो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन एफ नाम रखा हमने, एफ हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवेल ए बी, तो हम प्रूव निकाल के दिखाएंगे, कम से कम पॉइंट्स आएंगे सी और डी हमारे पास जहां एफ की वैल्यू सुप्रीमम और इनफीमम को अटेन करेगी। तो हम सिंस अब हम प्रूफ देने जा रहे हैं, सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी बाय बाउंडेडनेस थ्योरम जो हमने लास्ट टाइम की थी, बाय बाउंडेडनेस थ्योरम एफ जो बाउंडेड तो जरूर होगा, दैट मीन्स हमारे पास लीस्ट बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्जिस्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो एम हमने लीस्ट अपर बाउंड का नाम रखा, रेंज ऑफ एफ का लीस्ट अपर बाउंड, कि एफ एक्स की सारी वैल्यूज का जो लीस्ट अपर बाउंड है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम, एंड स्मॉल एम डिनोट किया हमने एफ एक्स रेंज का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स रेयर एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। तो इट मीन्स एफ एक्स की सारी वैल्यूज किसके बीच में है, एम और कैपिटल स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, द एफ एक्स इज द अपर बाउंड, पहले तो ये अपर बाउंड बनेगा एम, दैट मीन्स एफ एक्स की सारी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू एम होंगी, और एम से छोटा कोई भी नंबर इस सेट का अपर बाउंड नहीं बनेगा। तो लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन, दिस मस्ट बी अपर बाउंड, दैट मीन्स एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम, ये इक्वल हिस्सा, और साथ में एम से अगर मैं थोड़ा सा भी छोटा नंबर ले लूं, दिस इज द लीस्ट अमंग ऑल द अपर बाउंड, कि सबसे छोटा अपर बाउंड है, इससे छोटा जस्ट कोई भी नंबर लोगे तो वो अपर बाउंड नहीं होगा। सेम इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन हमारे पास, कि पहले तो ये लोअर बाउंड बनेगा, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, एम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, एंड एम से थोड़ा सा भी बड़ा नंबर ले लोगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, इससे थोड़ा सा भी अगर बड़ा नंबर लोगे तो वो लोअर बाउंड नहीं बनेगा। अब हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स
कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं एक्स बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट, जहां पर एफ की वैल्यू कैपिटल एम के इक्वल है, यहाँ मैंने सी नाम रख दिया था और डी नाम रख दिया था, यहाँ हम एक्स और वाई नाम रखने जा रहे हैं। देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू ए बी जहां पर एफ की वैल्यू कैपिटल एम के इक्वल है, और कोई ना कोई वाई जरूर मिलेगा ए बी के अंदर जहां एफ की वैल्यू स्मॉल एम के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करके दिखाने हैं जहां मेरी एफ की वैल्यू अपना सुप्रीमम और अपना इन्फीमम को अटेन करेगी, यानी कि किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू सुप्रीमम के इक्वल है, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू इनफीमम के इक्वल है। उल्टा मान के चले हम जब भी थ्योरम को करने जा रहे हैं इस तरह की थ्योरम को, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही हेल्प से हम जल्दी निकाल लेते हैं अपने रिजल्ट को। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, उल्टा मान के चले हम कॉन्ट्राडिक्शन से चले कि कोई भी ऐसा पॉइंट है, पहले हम सुप्रीमम का केस कर रहे हैं फिर सिमिलरली करके हम इनफीमम का केस कर सकते हैं। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी देयर एग्जिस्ट There does not exist any x, कि कोई भी ऐसा x exist ही नहीं कर रहा जहां पर वो अपना supremum attain कर रहा है। m क्या था मेरा supremum, वो सबसे बड़ी वैल्यू इस पूरे के पूरे ग्राफ की। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा कि जहां पर मेरा supremum attain कर रहा हो। ऐसा तुम्हें लग रहा है कि क्या हमारे पास तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस ग्राफ के supremum attain होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, f मैंने डिफाइन किया 0, 1 से लेके r तक, और सिंपल सा एक फंक्शन डिफाइन किया f of x is equal to x। तो इट मीन्स हमारे पास जो रेंज सेट बनने वाला है, रेंज सेट जो बनेगा इसका, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, जो मेरे डोमेन है, मैंने क्लोज बाउंड्री नहीं ली यहाँ पर, जो रेंज है, जो डोमेन सेट है मेरा, वो ओपन इंटरवल 0, 1 है। तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स टू एक्स के इक्वल है, एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, इट मीन्स मेरा जो रेंज सेट आ गया वो 0, 1 के इक्वल आ गया, 0, 1 इंटरवल के इक्वल। अब इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है मेरा, 1 है, और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है मेरा, 0। इट मीन्स रेंज सेट का कैपिटल एम का काम तो मेरा 1 कर रहा है और स्मॉल एम का काम मेरा 0 कर रहा है। तो अब किस पॉइंट के ऊपर ये अपना सुप्रीमम अटेन करेगा और किस पॉइंट के ऊपर अपना इन्फीमम अटेन करेगा? यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर एफ एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए, क्योंकि सभी पॉइंट के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। और 1 कब होगी, जब मेरा एक्स की वैल्यू 1 होगी, और एक्स की वैल्यू 1 तो इस इंटरवेल में है ही नहीं। तो इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी तभी हमारे पास f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन हमारे पास डोमेन का पॉइंट ही नहीं है 1। तो इट मीन्स डोमेन के किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो रही, सुप्रीमम नहीं आ रही, इसी तरह से इन्फीमम भी। m की वैल्यू 0 है और f की वैल्यू 0 कब आएगी, जब मेरा x 0 होगा, लेकिन डोमेन का तो पॉइंट ही नहीं है। तो देर डज नॉट एग्जिस्ट 0 पॉइंट, देर डज नॉट एग्जिस्ट 1 पॉइंट जहां पर मेरा फंक्शन सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करे। सुप्रीमम 1 कब अटेन हो सकता है, जब मेरा डोमेन के अंदर 1 पॉइंट हो। इन्फीमम 0 कब अटेन हो सकता है, जब मेरा डोमेन के अंदर 0 पॉइंट हो, लेकिन ना तो 0 इसके अंदर इंक्लूडेड है ना ही 1 इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये थ्योरम होल्ड नहीं कर रही। ये क्यों नहीं होल्ड कर रही, क्योंकि मेरा इंटरवेल ये क्लोज्ड नहीं है। ये थ्योरम तब होल्ड कर सकती है जब मेरा इंटरवेल क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। और डेफिनेटली उन केसेस में जब मेरा इंटरवेल क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, तो ये डेफिनेटली होल्ड करेगा ही करेगा। किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर हमारा सुप्रीमम अटेन होगा, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर हमारा इन्फीमम अटेन होगा। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से लेके चल रहे थे कि ऐसा कोई भी एक्स नहीं आ रहा ए बी के अंदर जहां मेरी एफ की वैल्यू सुप्रीमम के इक्वल आ जाए। इट मीन्स हमारे पास ये जो साइड है वो इक्वालिटी लेके तो कभी भी नहीं आएगी। एफ एक्स इज नेवर इक्वल टू एम, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली लेस देन एम होगा। एम अपर बाउंड है, इट मीन्स हमारे पास लेस देन एफ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है अपर बाउंड के साथ कि इक्वालिटी भी आ सकती है, लेकिन हमने कहा है कि कोई पॉइंट ऐसा आ ही नहीं रहा जहां पर वो इक्वालिटी हो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन एम हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन एम। इट मीन्स अगर मैं डिफरेंस लू एम माइनस एफ एक्स, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन कंसिडर किया, एक नया फंक्शन जो किस तरह से डिफाइंड किया, 1 ओवर m माइनस fx, जो ये वैल्यू आ रही है। अब ये फंक्शन डिफाइंड भी है या नहीं है, क्योंकि m माइनस एफ एक्स तो सभी के सभी पॉइंट्स के ऊपर जो भी ए बी के अंदर है वो ग्रेटर देन 0 है। इट मीन 0 तो कभी भी नहीं है नीचे वाली चीज, और m कांस्टेंट भी है। तो m माइनस एफ एक्स जो होगा वो फंक्शन हमारे पास नॉन जीरो है। जी एक्स की वैल्यू 1 ओवर माइनस m माइनस एफ एक्स ली हमने,
माइनस एफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, देयरफॉर जी एक्स डिफाइंड होगा सभी के सभी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी के लिए, और जी जो होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि हमने थ्योरम की थी कि अगर हमारे पास एफ एक्स नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स तो वन ओवर एफ एक्स भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है अगर एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस हो तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एम माइनस एफ एक्स, क्योंकि एम कॉन्स्टेंट है एफ एक्स ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस और जी एक्स तो जी एक्स भी क्या आ गया मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। अब हमारे बाउंड्री नेस्ट थ्योरम का फिर से लगाया हमने, जी कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल तो जी जो होगा वो मेरा बाउंडेड होगा। अब बाउंडेड की डेफिनेशन फिर से लगाने जा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के सच दैट मॉडुलस ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, ये बाउंड्री नेस्ट की हमारे पास कि जी जो होगा वो मेरा बाउंडेड होगा। अब जी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एम माइनस एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो मॉडुलस लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अब इट मीन जी एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी वन ओवर एम माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, रेसिप्रोकल किया हमने एम माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाय के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, दैट मीन एफ एक्स की वैल्यू अगर कंप्यूट करें तो वहां क्या आ जाएगी इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस वन बाय के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। तो यहां से हम कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लेके आ रहे हैं, तो यहां से कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आएगी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू जो आ गई वो लेस देन इक्वल टू एम माइनस वन बाय के, दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, दैट मीन्स ये जो नंबर आ रहा है एम माइनस वन बाय के इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, दैट मीन्स हमारे पास ये जो है वो अपर बाउंड बन गया रेंज सेट का, दिस मीन्स एम माइनस वन बाय के इज अपर बाउंड ऑफ दिस सेट रेंज सेट, रेंज सेट क्या था मेरा एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी, दैट मीन्स ये नंबर लेस देन एम है क्योंकि एम माइनस वन बाय के की है और मेरा के जो है वो पॉजिटिव है, सिंस एम माइनस वन बाय के इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम एंड एम इज लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड किसी सेट इस सेट का रेंज सेट का लिस्ट अपर बाउंड, उससे छोटा नंबर तो कोई अपर बाउंड होना ही नहीं चाहिए था, दिस नंबर इज लेस देन एम एंड एम इज लिस्ट अपर बाउंड बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड, एनी नंबर लेस देन एम कैन नॉट बी अपर बाउंड, कि वो अपर बाउंड तो नहीं बनेगा, एनी नंबर लेस देन एम कैन नॉट बी अपर बाउंड, बट हमने तो निकाला कि एक नंबर एम से छोटा है और वो अपर बाउंड है, ए कॉन्ट्राडिक्शन, तो दिस जो हमने ऑब्टेन किया है, देयर फोर आर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन क्या ली थी कि हमारे पास कोई भी ऐसा एक्स नहीं आ रहा जहां मेरा एफ की वैल्यू एम कैपिटल एम के इक्वल हो, देयर फोर देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू ए बी जहां मेरा कैपिटल एफ की वैल्यू कैपिटल एम के इक्वल होगी, सिमिलरली करके ही लिखेंगे अगला पार्ट हम, सिमिलरली वी कैन फाइंड सम एक्स बिलोंगिंग वाई बिलोंगिंग टू ए बी जहां मेरा एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी स्मॉल एम के इक्वल, तो कम से कम ऐसे दो पॉइंट तो हमें जरूर मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट भी हो, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो हमारे पास, ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का ग्राफ है, तो दो पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां पर मेरे कैपिटल एम अटेन कर रहा हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा हमारे पास जहां एफ की वैल्यू कैपिटल एम के इक्वल जहां एफ की वैल्यू स्मॉल एम के इक्वल। नेक्स्ट अब हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो है साइन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन पर, कि हमारे पास कंटिन्यूटी कैसे फंक्शन का बिहेवियर बताती है उसके ऊपर हम आ रहे हैं, तो अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी देन दीज थ्री कंडीशंस आर गोइंग टू बी होल्ड, ये थ्री कंडीशंस क्या है, अगर मेरा एफ का साइन पॉजिटिव है किस पॉइंट पर ए पॉइंट के ऊपर, एफ की वैल्यू ए के ऊपर पॉजिटिव है तो उसके नेबरिंग में भी पॉजिटिव होगी, नेबरिंग अब हमारे पास फंक्शन की डोमेन है ए से बी तक, तो अगर हमारे पास ए से बी तक और ए के ऊपर फंक्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ है यानी कि वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है तो हमारे पास ए के नेबरिंग में, अब नेबरिंग हमारे पास ए से राइट साइड में जा सकती हो क्योंकि डोमेन का
हिस्सा ही ए से राइट में है, डोमेन हमारे पास ए के लेफ्ट में है ही नहीं, तो नेबर क्या बनेगा मेरा ए से ए प्लस डेल्टा वाले पॉइंट का। तो अगर मेरा एफ की वैल्यू ए के ऊपर पॉजिटिव है तो एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जहां पर एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए प्लस डेल्टा। तो ए के नेबरहुड में भी, ए के नेबरहुड में भी हमारे पास नेबर के नेबरहुड आया ए टू ए प्लस डेल्टा के डोमेन के अंदर, ए टू ए प्लस डेल्टा के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर भी एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेम नेगेटिव साइन के ऊपर भी है। तो पहला हमने साइन पॉजिटिव के लिए, सेम हम नेगेटिव के लिए भी कर सकते हैं कि एफ की वैल्यू अगर ए के ऊपर नेगेटिव है तो एक ना एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जहां पर हमारे पास एफ के वैल्यू ए के नेबरहुड में ए से ए प्लस डेल्टा के बीच में एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सेम इसी तरह से हमारे पास ए के ऊपर हमारे पास गई, अब कोई और पॉइंट ले सकते हैं बीच में से आर्बिट्री पॉइंट सी, कोई भी पॉइंट है, सी इज एनी पॉइंट इन ए बी, सी हमारे पास कोई भी पॉइंट है और सी बिलोंगिंग टू ए बी, वेयर सी बिलोंगिंग टू ए बी और एफ की वैल्यू सी के ऊपर पॉजिटिव है, सी इज एनी पॉइंट इन द ए बी, देन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। सी का नेबरहुड, सी का नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा किसी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेम नेगेटिव का केस भी, एंड एफ बी ग्रेटर देन जीरो है, एफ बी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फिर से एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा बी का नेबरहुड। अब बी से लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, बी का लेफ्ट नेबरहुड ले सकते हैं हम, राइट नेबरहुड आएगा ही नहीं क्योंकि मेरा डोमेन का पार्ट नहीं है बी का राइट साइड। तो एफ की वैल्यू फिर से पॉजिटिव होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी माइनस डेल्टा टू बी। तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या बता रहा है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर एफ का जो साइन है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट के ऊपर, अगर फंक्शन का जैसा साइन है, साइन मीन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके नेबरहुड में भी, उसके नेबरहुड में भी वैसा ही साइन मिलेगा अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि हमारे पास बिहेवियर जो है वो नेबरिंग में भी वही है जो उस पॉइंट के ऊपर है। तो अगर उस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है तो उसके नेबरहुड में भी पॉजिटिव है, अगर एक पॉइंट के ऊपर नेगेटिव है तो उसके नेबरहुड में भी नेगेटिव है। तो हम सबसे पहला केस करने जा रहे हैं एफ ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो, और हम फाइंड आउट करेंगे एक डेल्टा की सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू ए प्लस डेल्टा। प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है नेगेटिव केसेस के लिए भी, तो हम पॉजिटिव केसेस का कर रहे हैं बिल्कुल सेम, हम उन्हीं लाइन के ऊपर नेगेटिव केसेस का प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला प्रूफ एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। नाउ एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो हमने लिया, सपोज एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, वी हैव टू फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए प्लस डेल्टा। अब एफ कंटिन्यूअस है पूरे के पूरे इंटरवेल के ऊपर, एफ कंटिन्यूअस है ए के ऊपर भी, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए तो ए के ऊपर तो हमारे पास राइट साइड में जा सकते, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं राइट कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमारी डोमेन का लेफ्ट, ए के लेफ्ट साइड में डोमेन ही नहीं है। एफ इज राइट कंटिन्यूअस एट ए, देयरफॉर पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर हमने कंटिन्यूअस कब कहा था, जब ए के ऊपर राइट कंटिन्यूअस, बी के ऊपर लेफ्ट कंटिन्यूअस और बीच वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके ऊपर कंटिन्यूअस। तो ए के ऊपर राइट कंटिन्यूअस कह रहे हैं हम, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो लेट देयरफॉर वो चूज फर्स्ट हम एप्सिलॉन फिक्स कर लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी सच दैट एफ ऑफ ए पॉजिटिव है हमारे पास, कि उसमें से अगर मैं एप्सिलॉन घटा भी दूं तो भी वो पॉजिटिव है। एप्सिलॉन इतना छोटा चूज कर लो, एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव है, एप्सिलॉन इतना छोटा चूज कर लो कि एप्सिलॉन घटाने के बाद भी वो पॉजिटिव है। कोई भी ले सकते हो ऐसा नंबर, कि हमने एप्सिलॉन कैसा लेना है, एप्सिलॉन टेक एप्सिलॉन इज लेस देन, ग्रेटर देन जीरो तो लेना ही है और लेस देन एफ ए लेना है, तो एफ ए से छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देयर लाइज इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर, कि जीरो और एफ ए के बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल और इनफाइनेटली मैनी इरेशनल, इन दैट मीन्स इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर मिलेंगे। तो इन दोनों के बीच में कोई भी एप्सिलॉन मैंने फिक्स कर लिया, कोई भी चूज कर लिया, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी एनी नंबर, एनी नंबर सच दैट एफ ए माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। ये क्यों लिया अभी तुम्हें यहां से दिख भी जाएगा हमने क्यों लिया इस कंडीशन को। अब राइट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लेने जा रहे हैं, देयर फोर देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो की राइट कंटिन्यूअस है, एक डेल्टा मिलेगा सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू ए प्लस डेल्टा।
ये हमारी राइट कंटिन्यूअस एट ए की डेफिनेशन। दिट मीन्स यहां से क्या आ गया, एफ एक्स इज लेस देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन एफ ए माइनस एप्सिलॉन। अब यहां पर एफ ए माइनस एप्सिलॉन का यूज कर रहे हैं हम, दैट मीन्स एफ ए माइनस एप्सिलॉन। अब मेरा यहां पर मैंने क्यों लिया था एफ ए माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव, क्योंकि मुझे यहाँ यूज करना है एफ ए माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव ताकि मेरा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए। नाउ दिस इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ए माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स जीरो इज लेस देन एफ ए माइनस एप्सिलॉन एंड दिस इज फर्दर लेस देन एफ एक्स कब, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए प्लस डेल्टा। तो इट मीन्स हमने ये पोर्शन और ये पोर्शन को कंबाइन किया है, इट मीन्स यहां से क्या आ गया, ये नंबर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए प्लस डेल्टा। तो इट मीन्स एप्सिलॉन हमने ऐसा चूज किया कि मेरा एफ ए माइनस एप्सिलॉन क्या हो ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से आ गया ये अगर पॉजिटिव है तो मेरा एफ एक्स भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने ऐसा जानबूझ के चूज किया एप्सिलॉन कि जो किसके बीच में लाई कर रहा है जीरो और एफ ए के बीच में, सो दैट एफ ए माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव है, सो दैट वी कैन ऑब्टेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू ए प्लस डेल्टा। हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा ने आना ही आना है, तो जो भी हम एप्सिलॉन इसके अंदर चूज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग में डेल्टा आएगा, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू ए प्लस डेल्टा। अब यहाँ सेम केस अगर मेरा नेगेटिव का होता तो एफ एक्स मुझे नेगेटिव चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू ए प्लस डेल्टा। इट मीन्स नेगेटिव वाली साइड हम ये लेते कि हमारे पास ये साइड नेगेटिव हो जाए तो एफ एक्स ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। तो चूज अ साइलेंस सच दैट अगर मेरा सेकंड केस अगर मेरे पास ये होता कि मेरा एफ ए नेगेटिव है, देन वी चूज अ साइलेंस देन टेक अप साइलेंस सच दैट कि एफ ए प्लस अप साइलेंस इज ऑल्सो नेगेटिव, कि अब साइलेंट इतना छोटा चूज करो कि ये नेगेटिव है, इसमें मैं अब साइलेंट ऐड भी कर दूं तो भी वो क्या रहे नेगेटिव है। दैट मीन्स मुझे क्या चूज करना है, अब साइलेंट लेस देन माइनस ऑफ एफ। तो इस तरह से हमने कोई भी नंबर चूज करना है ऑन ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए। तो हमारे पास एफ ए प्लस अब साइलेंट अगर नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव आ गया तो हम ये साइड लेके चलेंगे, एफ एक्स इज लेस देन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज ऑल्सो लेस देन जीरो, सो दैट मीन्स एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए प्लस डेल्टा। सिमिलरली हमारे पास अगला केस है, नेक्स्ट वाला केस, नेक्स्ट वाले केस में क्या है, सी कोई भी पॉइंट है इन द इंटरवेल ए बी, इन द ओपन इंटरवेल ए बी, ए और बी के ऊपर हम कर चुके हैं अलग अलग केसेस। तो ओपन इंटरवेल ए बी के अंदर कोई भी पॉइंट है सी, तो हमारे पास जहां पर मेरा एफ की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक डेल्टा मिलेगा जहां पर एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर ओवर एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। फिर से उसी तरह से हमने C लेके चले, सपोज एफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, वेयर C किस में बिलोंग कर रहा है मेरा, ओपन इंटरवेल ए बी में। वी हैव टू फाइंड सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा। नाउ एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट C, देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, क्या लिखेंगे हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। इसको फोर से खोल के क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज लेस देन एफ सी प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन एफ सी माइनस एप्सिलॉन, कब, जब फोर ओवर एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। तो फिर से अब उसी तरह से हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा एग्जिस्ट कर रहे हैं, इफ वी टेक एप्सिलॉन सच दैट एप्सिलॉन इज लेस देन एफ सी, एप्सिलॉन जो है वो एफ सी से छोटा हो, तब हमारे पास एफ सी माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होगी, देयर मस्ट एग्जिस्ट फॉर दिस एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को जो हमने इसके अंदर से चूज किया जीरो और एफ सी के अंदर से, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स इज लेस देन एफ सी प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन एफ सी माइनस एप्सिलॉन, और ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स क्या आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। दैट मीन्स इस कंडीशन को देखिए हम सिर्फ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। ये तब है जब मेरा एप्सी पॉजिटिव है। अगर एप्सी नेगेटिव होगा तो हम एप्साइलन कैसा चूज करेंगे, कि अगर मेरा एप्सी नेगेटिव है तो हम चूज करेंगे एप्साइलन सच दैट एप्सी प्लस एप्साइलन भी नेगेटिव ही रहे। दैट मीन्स एप्साइलन शुड बी लेस देन माइनस ऑफ एप्सी। तो अगर ये नेगेटिव है तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव है तो हमने ये वाली साइड लेनी है, नेगेटिव है तो हमने ये वाली साइड लेनी है। और एप्साइलन अगर एफसी पॉजिटिव है तो एप्साइलन को लेस देन एफसी लेना है। अगर मेरा एफसी नेगेटिव है तो एप्साइलन शुड बी लेस देन माइनस ऑफ एफसी। तो इस तरह से हम लेके हम बिहेवियर चेक कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड केस है हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके का, कि हमारे पास अगर बी के ऊपर पॉजिटिव है तो उसके नेबरिंग में भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये थ्योरम थी साइन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ, कि अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसके नेबरहुड में भी उसी तरह का साइन होगा। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन के रिगार्डिंग। इफ एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, हमारे पास अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमारी जो डोमेन रख रहे हैं हम क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल रख रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी कैप्ट इन माइंड, कि हमारे पास जो डोमेन है वो क्लोज एंड बाउंडेड है। इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। एफ की वैल्यू ए पर और एफ की वैल्यू बी पर जो है वो दोनों अपोजिट साइन के है। इट मीन्स अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव है, एफ ए नेगेटिव है तो एफ बी पॉजिटिव है। तो दोनों का साइन जो है वो अपोजिट है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, ये तो गिवन है हमारे पास कि कंटिन्यूअस है और एफ बी जो है वो अपोजिट साइन के हैं। अगर ऐसा एफ है हमारे पास तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवेल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इन द ओपन इंटरवेल ए बी फॉर विच एफ एक्स वैनिशेस। एफ जो है वो वैनिश कर जाएगा, दैट मीन्स एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि कम से कम एक रूट मिलेगा एफ का इन ओपन इंटरवेल ए बी। ए बी के अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एफ की वैल्यू जीरो होने का मतलब रूट मिलेगा एफ का इन ओपन इंटरवेल ए बी। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें कि हमारे पास डोमेन के अंदर किसी एक डोमेन के हमारे पास किसी एक पॉइंट के अंदर एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर मेरा एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के। तो सपोज मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि एफ की ये हमारे पास डोमेन है, दिस इज ए और ये हमारे पास बी। तो एफ की वैल्यू इसी डोमेन के अंदर, तो हमारे पास एफ की वैल्यू ए के ऊपर इतनी बन रही है, दिस इज एफ ऑफ ए और ऑब्वियसली ये वाई पॉजिटिव एक्सिस है तो एफ की वैल्यू ए पर पॉजिटिव है। और ये फिर से एफ की वैल्यू बी के ऊपर और एफ की वैल्यू बी के ऊपर जितनी भी आ रही है दैट इज नेगेटिव आ रही है हमारे पास। तो ये वैल्यू एफ की वैल्यू बी के ऊपर और डाउनवर्ड लिया हमने तो एफ की वैल्यू बी के ऊपर नेगेटिव है। तो एफ की वैल्यू ए के ऊपर पॉजिटिव, एफ की वैल्यू बी के ऊपर नेगेटिव। तब हमारे पास क्या हुआ, तब हमारे पास कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहां मेरे एफ की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर मेरे एफ की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी के अंदर होंगे, ना तो ए के बराबर ना ही बी के बराबर, एग्जैक्टली ए से बड़े और बी से छोटे। तो एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं जहां मेरे एफ की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ऐसा सिंगल पॉइंट भी हो सकता है कि ऐसा ग्राफ हो जाए मेरे पास कि एक पॉइंट आ रहा हो, एक पॉइंट आ रहा हो, दिस इज एफ की वैल्यू ए के ऊपर पॉजिटिव, एफ की वैल्यू बी के ऊपर नेगेटिव। तो एक पॉइंट आ रहा है सी जहां पर मेरे एफ की वैल्यू जीरो है, अगर एफ की वैल्यू जीरो है तो ये पॉइंट बनेगा सी इज जीरो। एफ की वैल्यू सी के ऊपर इनके सी एफ सी था, एफ सी की वैल्यू जीरो है तो ये पॉइंट सी जीरो, दैट मीन्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो जहां मेरा कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल के अंदर जहां मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो यूं भी समझ सकते हैं हम इसको कि कम से कम एक पॉइंट जहां मेरा ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को कट करने वाला है। तो हम इसको करने वाले हैं, इसके प्रूफ को, प्रूफ हमारे पास सिंपल है इसका। तो प्रूफ करने जा रहे हैं हम इसका, प्रूफ सिंपल सा ही है। गिवन है हमारे पास एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, तो कोई एक पॉजिटिव है कोई एक नेगेटिव है। तो हमने अपनी तरफ से लेके चले हैं कि एफ ए जो है पॉजिटिव है और एफ बी जो है वो नेगेटिव है, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, एफ ए नेगेटिव ले एफ बी जो है वो पॉजिटिव ले। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट पर, चेंजेस क्या रहेंगे वो हम आगे आ जाएंगे। सपोज कर लेते हैं हम एफ ए जो है वो नेगेटिव है एंड एफ बी जो है वो पॉजिटिव है।
तो इसके साथ अगर हम प्रूफ कर रहे हैं, तो अगर जब हमारा एफ ए पॉजिटिव होगा, एफ बी नेगेटिव होगा, तो थोड़ा सा चेंज करके हम उस प्रूफ को भी कर सकते हैं। तो एफ ए नेगेटिव है, एफ बी जो है वो पॉजिटिव है। तो एफ ए नेगेटिव यानी कि ए पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव साइड है, और बी पॉइंट के ऊपर हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड है। तो एफ ए इज नेगेटिव एंड एफ बी इज पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, एक सेट बनाया, कंसिडर ए सेट, एस एक सेट बनाया, ए बी के वो पॉइंट्स की कलेक्शन लिए, एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, जहां पर मेरे एफ की वैल्यू नेगेटिव, ए बी के वो पॉइंट्स कलेक्ट किए, दैट मींस मैंने ग्राफ, जहां पर मेरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये सारा एफ की वैल्यू नेगेटिव के लिए, दैट मींस ये पॉइंट्स का जो इमेजेस आ रही हैं, इस इन पॉइंट्स की जो इमेजेस आ रही हैं, उनके लिए मेरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव है। तो इतने पोर्शन का जो हमने वैल्यूज है ए बी की, वो हमने एस बनाया है, एस बनाया, एक्स बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव। सो दिस इज आर एस, एस इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए बी फॉर विच एफ इज नेगेटिव। क्लियरली ए जो है वो तो एस में है ही, क्योंकि हमने माना ही वही है कि एफ की वैल्यू ए के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। अगर हम रिवर्स कर देंगे, अगर ये नेगेटिव है तो बी मेरा एस में चला जाएगा, तो ए एस में है, देयरफॉर एस इज नॉन एम्प्टी सेट, एस नॉन एम्प्टी सेट है, एंड एस इज आल्सो बाउंडेड सेट। बाउंडेड क्यों, कि एस किसके पॉइंट्स की कलेक्शन लिया हमने, ए बी के पॉइंट्स के कलेक्शन लिए, बाउंडेड सेट बिकॉज एस जो है वो सबसेट बनेगा किसका, ए बी का, और ए बी जो है बाउंडेड है, तो ये अपने आप ही बाउंडेड हो गया। तो एस बाउंडेड सेट है हमारे पास, नॉन एम्प्टी है। अब एक यूज करने जा रहे हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज, कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, इसको हम कंप्लीटनेस एक्सियम्स के नाम से भी जानते हैं, कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस एक्सियम है कि हमारे पास, और ये रियल लाइन के लिए, हमारे पास एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव हैज लीस्ट अपर बाउंड, उसका लीस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये कंप्लीटनेस एक्सियम की स्टेटमेंट, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव हैज लीस्ट अपर बाउंड। सेम इसी तरह से बाउंडेड बिलो के साथ भी है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड बिलो हैज ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। या अब ये सेट जो है वो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो बी इसका अपर बाउंड बन रहा है इसका। तो अब नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड अबव भी है, देयरफॉर एस हैज लीस्ट अपर बाउंड, एस का लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है रियल लाइन में, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका लीस्ट अपर बाउंड भी जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो ये कंप्लीटनेस एग्जाम रियल लाइन के लिए, कि अगर हमारे पास कोई सेट नॉन एम्प्टी है, उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई ऐसा सेट नॉन एम्प्टी है जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो एफ हैज लीस्ट अपर बाउंड, तो लेट यू नाम रखा, यू इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, इट मीन्स ये मेरा एस था। अगर हम ग्राफिकली इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये मेरा एस था, ये पोर्शन, तो एस का लीस्ट अपर बाउंड इट मीन्स ये वाला पॉइंट बन रहा है मेरा, सबसे बड़ी वैल्यू एस की। तो एस की जो सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हें दिख रही है इस ग्राफ में भी, वो हमने उस पॉइंट का नाम रखा यू, और यू ही वही पॉइंट होगा जिसके ऊपर मेरी एफ की वैल्यू जीरो आएगी, जो मेरा रूट बनेगा एफ का, जहां मेरा ग्राफ कट करेगा इसको, एक्स एक्सिस को। वी क्लेम दैट यही वो पॉइंट है जो मेरा एफ की वैल्यू जिसके ऊपर वैनिश हो जाएगी, एफ यू इज इक्वल टू जीरो, ये हमने क्लेम किया। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, उल्टा मान के चले, सपोज आर क्लेम इज नॉट होल्ड, दैट मीन्स एफ यू इज नॉन जीरो, दैट मीन्स आइदर एफ यू जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एफ यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर जीरो नहीं है, या तो फिर पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। अब हमारे पास साइन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन को, प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कि अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है तो उसके नेबरिंग में भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव है तो उसके नेबरिंग में भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अब फिर से वही, कि हमारे पास अगर यू के ऊपर पॉजिटिव है, पहला केस करने जा रहे हैं, इफ एफ यू इज पॉजिटिव देन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेट, एफ इज कंटिन्यूअस एट यू, क्योंकि हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है पूरे के पूरे डोमेन के ऊपर, तो यू के ऊपर भी कंटिन्यूअस है।
यू बिलोंगिंग टू ए बी, हमारे पास यू ए बी के अंदर ही मिलेगा क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड एफ का है और एफ किसका सबसेट है, ए बी का। एफ यू इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ यू एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू माइनस डेल्टा टू यू प्लस डेल्टा। कि अगर मेरा एफ यू पॉजिटिव है तो एक डेल्टा मिलेगा जो नेबरिंग में भी क्या दे रही है, यू के नेबर में भी वैल्यू क्या दे रही है, एफ की पॉजिटिव दे रही है। इट मीन्स यू माइनस डेल्टा से यू प्लस डेल्टा के बीच में भी ग्राफ क्या होना चाहिए, मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, यू के लेफ्ट साइड में भी और यू के राइट साइड में भी। अब तुम्हें ये दिख रहा है कि यू की लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं, इट मीन्स हमारे पास फंक्शन क्या वैल्यू है, नेगेटिव है। तो अब हमें कंट्राडिक्शन लानी है, तो हम क्या करेंगे, यू की लीस्ट अपर बाउंड है उसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे। नाउ यू इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, यू इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। यू से थोड़ा सा भी छोटा नंबर ले लेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं बनेगा, दिस मीन्स यू माइनस डेल्टा इज नॉट अपर बाउंड। नॉट अपर बाउंड की डेफिनेशन, कम से कम सेट एस का एक पॉइंट मिलेगा, देयर फोर देयर एग्जिस्ट सम एक्स वन बिलोंगिंग टू एक्स वन नाम रख दिया हमने एस में से, जहां मेरे अपर बाउंड की डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी, दैट मीन्स एक्स वन इज नॉट लेस देन इक्वल टू यू माइनस डेल्टा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा उस केस में, एक्स वन इज ग्रेटर देन यू माइनस डेल्टा, और वी कैन से यू माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स वन। तो ये मेरी नॉट अपर बाउंड की डेफिनेशन, कि कम से कम सेट का एक पॉइंट तो मिलेगा जो हमारे पास इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स ऑल्सो एक्स वन एस में है, ऑल्सो एक्स वन एस में है, दैट मीन्स एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू यू। एस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका अपर बाउंड क्या है, यू है, तो यू अपर बाउंड की डेफिनेशन कि एस के हर एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा। तो इन दोनों को होल्ड किया हमने, इट मीन्स एक्स वन किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एक्स वन बिलोंग एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू यू एंड ग्रेटर देन यू माइनस डेल्टा। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, यू माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स वन, एक्स वन इज फर्दर लेस देन इक्वल टू यू, और यू फर्दर किससे लेस है, यू प्लस डेल्टा। इट मीन्स एक्स वन बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, यू माइनस डेल्टा और यू प्लस डेल्टा के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब ये तो फ्रॉम दिस कि जो भी कोई पॉइंट इसके अंदर बिलोंग करेगा, फ्रॉम वन जो भी पॉइंट इसके अंदर इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा, तो एक्स वन इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स वन पर पॉजिटिव। ऑल्सो एक्स वन मेरा एस में, एक्स वन एस में बाय डेफिनेशन ऑफ एस, एस हमने कैसे डिफाइन किया था, एस हमने उन पॉइंट्स की कलेक्शन ली थी जहां मेरा ग्राफ जो था वो नेगेटिव था, बाय एक्स वन बिलोंगिंग टू एस बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ एस, एस हमने कैसा कंस्ट्रक्ट किया था, एफ ऑफ एक्स वन इज नेगेटिव। तो हमारे पास एक तरफ से आ रहा है एफ ऑफ एक्स वन इज पॉजिटिव, एक तरफ से आ रहा है एफ ऑफ एक्स वन इज नेगेटिव, ए कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए। देयर फोर ये हमने कब लिया, जब हमारे पास एफ यू इज पॉजिटिव, कि अगर एफ यू पॉजिटिव है तो मेरे पास कंट्राडिक्शन आ रही है, देयर फोर एफ यू कैन नॉट बी पॉजिटिव। सेम इसी तरह से हम कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे एफ यू नेगेटिव के लिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलगी मुझे पॉजिटिव एफ की यू पर भी और नेगेटिव एफ की, तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलगी अगर मेरी एफ की वैल्यू यू के ऊपर पॉजिटिव है, और कॉन्ट्राडिक्शन ही ले आएंगे अगर मेरी एफ की वैल्यू यू के ऊपर नेगेटिव है। इट मीन्स एफ की वैल्यू ना तो यू के ऊपर नेगेटिव होगी ना ही एफ की वैल्यू यू के ऊपर पॉजिटिव होगी, इट मीन्स एफ यू क्या होगा मेरा, जीरो होगा। तो अब इफ एफ यू इज सेकेंड केस करने जा रहे, इफ एफ यू इज नेगेटिव तो फिर से हम कंट्राडिक्शन ले आएंगे, बाय डेफिनेशन एफ इज कंटिन्यूअस एट यू, फिर से वही कि कंटिन्यूअस एट यू के ऊपर है एंड देयर फोर देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कि नेबरिंग में भी नेगेटिव ही रहेगा, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू माइनस डेल्टा टू यू प्लस डेल्टा। इट मीन्स हमारे पास इन सारे पॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव आ गया, दिस मीन्स अब एक पॉइंट लिया हमने इसके अंदर से, नाउ टेक यू प्लस डेल्टा बाय टू, यू प्लस डेल्टा बाय टू वो तो क्लियरली इसी के अंदर बिलोंग करेगा, दिस मीन्स एफ ऑफ यू प्लस डेल्टा बाय टू इज नेगेटिव, क्योंकि जिस जो भी इसके अंदर पॉइंट है उन सबके लिए क्या है वो नेगेटिव है। तो यू से इस साइड के लिए भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यू के आगे वाले पॉइंट के लिए भी, तो यू प्लस डेल्टा बाय टू ले लिया जिसके लिए वो नेगेटिव है।
अब नेगेटिव पॉइंट्स की, उन उन पॉइंट्स की कलेक्शन जिनके ऊपर एफ नेगेटिव था उनका नाम तो एस था। दिट मीन्स ये पॉइंट कहाँ पहुंच गया, दिट मीन्स यू प्लस डेल्टा बाय टू बिलोंग्स टू एस बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एस, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन एस की ऐसे की उन पॉइंट्स की कलेक्शन जो हमारे पास जिनके ऊपर एफ क्या है नेगेटिव है। अब यू से बड़ी क्वांटिटी हमारे पास एस में पहुंच गई, यू तो अपर बाउंड है, उससे बड़ी क्वांटिटी तो एस में होनी ही नहीं चाहिए, सिंस यू इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। दिस मीन्स सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स एस में हैं वो सारे के सारे यू से छोटे या बराबर होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस। दैट मीन्स ये पॉइंट भी यू से छोटा होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट भी किसमें जा रहा है, एस में जा रहा है। बट कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्वांटिटी तो क्लियरली यू से बड़ी है, बराबर भी नहीं हो सकती हमारे पास। तो दैट मीन्स ए कॉन्ट्रोडिक्शन यहां से, और कॉन्ट्रोडिक्शन कब आई, जब मैंने एफ यू को क्या लिया, नेगेटिव लिया। इट मीन्स ना तो एफ यू की वैल्यू नेगेटिव होगी ना ही एफ यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मेरा एफ यू की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जीरो। तो ये वो पॉइंट है जहां मेरा एफ की वैल्यू जीरो आएगी, दैट मीन्स यहाँ ये वो पॉइंट है जहां मेरा ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो अब हमने किया क्या है, हमारे पास एफ कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है इन द क्लोज इंटरवेल ए बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का साइन अपोजिट है, तो एक पॉइंट कम से कम हमने निकाल के दिखाना है जहां मेरा एफ यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो हमने एफ ऑफ ए को नेगेटिव लेके चले, एफ ऑफ बी को पॉजिटिव लेके चले, हम उल्टा भी कर सकते हैं, प्रूफ एज इट इज ही रखना है हमने। तब भी एफ ऑफ ए अगर मेरा नेगेटिव है, एफ ऑफ बी मेरा पॉजिटिव, दैट मीन इस तरह का ग्राफ है। तो हमने एस एक सेट बनाया जहां पर मेरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, दैट मीन उन सारे पॉइंट ए बी की कलेक्शन जहां पर मेरा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्लियरली एस इज नॉन एम्प्टी क्योंकि मेरा ए के ऊपर तो नेगेटिव हम मान के ही चले, और एस नॉन एम्प्टी सबसेट है और बाउंडेड भी है, बाउंडेड अबव है, तो हमारा कंप्लीटनेस एक्सियम एस का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, लीस्ट अपर बाउंड का नाम हमने वैनिश होगी, दैट मीन्स एफ यू जीरो होगा। तो हम मान के चले एफ यू जीरो अगर नहीं है, तो अगर एफ यू पॉजिटिव है तो भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएंगे, एफ यू अगर मेरा नेगेटिव है तो भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएंगे, दैट मीन्स एफ यू क्या होना चाहिए, मेरा जीरो होना चाहिए। तो अगर एफ यू पॉजिटिव है तो कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए हमने साइन ऑफ कंटिन्यूटी का ही यूज किया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो साइन नेबरिंग में सेम रहता है, तो पॉजिटिव है तो हमारे पास यू यू के नेबरहुड में भी पॉजिटिव है, तो U के नेबरहुड में पॉजिटिव है, U लिस्ट अपर बाउंड है, तो U माइनस डेल्टा अपर बाउंड नहीं बनेगा। नहीं बनने की डेफिनेशन से हम यहां पर पहुंचेंगे, तो एक पॉइंट मिल गया U माइनस डेल्टा और U प्लस डेल्टा के बीच में जो हमारे पास एक साइड से S में जा रहा है और U के नेबरहुड में है तो पॉजिटिव आएगा, तो इन दोनों साइड से हमने कॉन्ट्राडिक्शन ले आई। फिर से अगर एफ यू नेगेटिव है तो नेबरिंग में भी नेगेटिव होगा, लेकिन नेबरिंग में नेगेटिव है तो इस साइड नेगेटिव ही है, लेकिन हमारा ग्राफ तो सिर्फ इतना ही था जो एस की इस साइड ही है जो नेगेटिव है, तो यू प्लस डेल्टा बाय टू अगर एस में पहुंच गया तो इट मीन्स क्योंकि हमारा यू लिस्ट पर बाउंड एस का, तो यू प्लस डेल्टा बाय टू से भी यू बड़ा होना चाहिए था, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो दिस वाज द थ्योरम कि अगर मेरा एफ कंटिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवेल ए बी, एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ द अपोजिट साइन, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन ओपन इंटरवेल ए बी जहां मेरा एफ जो होगा वो वैनिश करेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसी की हेल्प से हम नेक्स्ट निकालेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और मेनली थ्योरम तो यही है, उसके कॉन्सिक्वेंस है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो अब वो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे हम आ रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अगर स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एफ हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवेल ए बी, और के कोई भी रियल नंबर है एफ ए और एफ बी के बीच में, तो एफ ए और एफ बी यानी कि जो वैल्यूज ए के ऊपर आ रही है, जो वैल्यू बी के ऊपर आ रही है, उनकी रेंज के बीच में ही कोई वैल्यू है के, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवेल ए बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू के। कि हमारे पास अब इस थ्योरम को अगर मैं ग्राफिकली एक बार देखूं कि हमारे पास सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ और ए और बी हमारे पास डोमेन है, एफ ए हमने पहला केस लिया जहां मेरा एफ ए एफ बी से छोटा है, और के कोई भी पॉइंट है एफ ए और एफ बी के बीच में, दैट मीन्स के कोई भी पॉइंट है इसके बीच में, इन दो लाइंस के बीच में, तो हमारे पास कम से कम एक पॉइंट सी तो जरूर आएगा जहां एफ की वैल्यू सी के ऊपर किसके बराबर होगी, के बराबर होगी। सी किस में लाई कर रहा है, ए और बी ओपन इंटरवेल के बीच में, तो कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा जहां एफ की वैल्यू सी के ऊपर क्या होगी, के होगी। इट मीन्स एफ अटेन्स एवरी वैल्यू बिटवीन दिस एफ ए एंड एफ बी एट सम पॉइंट,
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट, इंटरमीडिएट का मतलब ही इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन ये वैल्यूज किसी ना किसी सी पर अटेन हो रही होंगी। सी किस में होगा? ए और बी के बीच में। अगर मेरा यहाँ के मैं चेंज कर दूं, कोई और के ले लिया, तो वो भी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर अटेन जरूर हो रहा होगा। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले सकते हो, दिस इज द पॉइंट, और यहाँ पर फिर से ये पॉइंट अटेन हो रहा है मेरा इस पॉइंट के ऊपर। तो कोई भी पॉइंट ले हम एफ ए और एफ बी की रेंज के बीच में, तो वो वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर अटेन जरूर कर रहा होगा। एफ अटेन्स एवरी इंटरमीडिएट वैल्यू इन एफ ए एंड एफ बी एट सम पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी। ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी के अंदर हर कोई ना कोई पॉइंट फंक्शन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो ए एफ ए और एफ बी के बीच में है किसी ना किसी पॉइंट पर वो अटेन जरूर कर रहा होगा। इसलिए इसका नाम रखा गया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इनके इंटरमीडिएट वैल्यू एफ ए और एफ बी की इंटरमीडिएट जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर अटेन जरूर कर रहा होगा। तो फंक्शन पिछले थ्योरम को ही हमने मेनली यूज करना है। तो एक नया फंक्शन डिफाइन किया जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के, वेयर के हमारे पास एफ ए और एफ बी के बीच में है कहीं पर भी, और फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। नाउ एफ हमारे पास ऑलरेडी कंटिन्यूअस दे रखे है, के हमारा कॉन्स्टेंट नंबर है, तो जी हमारे पास कंटिन्यूअस हो जाएगा बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस। तो एफ कंटिन्यूअस है, के हमारा कॉन्स्टेंट है तो कंटिन्यूअस है, तो जी कंटिन्यूअस हो गया। जी कंटिन्यूअस है, के लाई कर रहा है एफ ए और एफ बी के बीच में। ऐसा हो सकता है कि मेरा एफ ए एफ बी से छोटा हो, या फिर मेरा ग्राफ इस तरह से हो कि एफ की वैल्यू ए के ऊपर बड़ी आ रही हो एफ बी से। तो ये मेरा बी है और ये एफ ए है, तो एफ ए की वैल्यू एफ बी से बड़ी आ रही है। तो दोनों ही केसेस है हमारे पास कि के बिलोंग कर सकता है अगर एफ ए एफ बी इंटरवेल में, इंटरवेल तो के इस इंटरवेल में बिलोंग कर सकता है एफ ए एफ बी में अगर एफ ए एफ बी से छोटा है, के बिलोंग कर सकता है एफ बी एफ ए में, एफ बी एफ ए में अगर एफ बी मेरा एफ ए से छोटा। तो अगर मैं फर्स्ट केस अज्यूम करके चलूं कि अगर फर्स्ट केस में एफ ए एफ बी से छोटा है, दैट मीन्स के लाई कर रहा है इन दिस इंटरवेल, के इज लाइंग बिटवीन, के इज ग्रेटर देन एफ ए एंड के इज लेस देन एफ बी, दिस वन द केस। तो इस केस में एफ ए माइनस के, एफ ए माइनस के जो होगा वो तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया एफ ए माइनस के, यहाँ पर गलत लिखा हुआ एफ ए माइनस एफ के इज नेगेटिव, दैट मीन्स जी ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। एफ ए माइनस के इज नेगेटिव, दैट मीन्स जी ए इज नेगेटिव। एफ बी माइनस के इज पॉजिटिव, दैट मीन्स जी बी इज पॉजिटिव। तो हमारे पास जब एफ ए से बड़ा है के, तो एफ ए माइनस के इज नेगेटिव, जब के एफ बी से छोटा है, दैट मीन्स एफ बी माइनस के इज पॉजिटिव, जी ए नेगेटिव आ गया, जी बी पॉजिटिव आ गया। तो जी की वैल्यू ए और बी के ऊपर अपोजिट साइन की है जब हमने फर्स्ट केस किया। सिमिलरली सेकंड केस के ऊपर भी जब हमारा एफ बी एफ ए से छोटा है, तो सेकंड केस में भी हमारा जी ए और बी के ऊपर अपोजिट साइन लेके आएगा। प्रीवियस थ्योरम क्या कह रही है कि अगर ऐसा हो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो ए बी के ऊपर डिफाइन है, कंटिन्यूअस है, और जी ए एंड जी बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवेल ए बी जहां मेरे फंक्शन की वैल्यू वैनिश हो जाएगी, जी की वैल्यू वैनिश हो जाएगी। दैट मीन्स जी की वैल्यू सी के ऊपर कितनी आ जाएगी, एफ सी माइनस के, एफ सी माइनस के इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एफ सी इज इक्वल टू के। तो हमारे पास एफ की वैल्यू किसी एक पॉइंट सी के ऊपर किसके बराबर है, के, वेयर के इज इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो एफ अटेन्स एवरी इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एट सम पॉइंट। तो दिस वॉज योर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। एफ ए माइनस के का मतलब जी ए, एफ बी माइनस के का मतलब जी बी। तो इसी को ही यूज करके हमने निकाला जी ए एंड जी बी आर ऑफ अपोजिट साइन। तो जी की वैल्यू वैनिश करेगी, जी की वैल्यू वैनिश कर रही, दैट मीन्स एफ सी माइनस के वैनिश कर रहा है, तो एफ सी की वैल्यू क्या आ गई, के बराबर आ गई। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, इसी की आगे एक फिर से कंसिक्वेंस है, इसी की कॉरोलरी है हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की, जो नेक्स्ट हम करेंगे, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के भी, और जनरल एग्जांपल्स भी देखेंगे।